गुलेल तू मेरे साथ चल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे सवालों का सच सच जवाब देना, देगा ना? हाँ। आप बोलो बोलो। एक एक मिनट, एक मिनट आंटी, ये जो गुलेल है वो पेशेवर चोर तो है ही, लेकिन उसके रिकॉर्ड्स पढ़ के ऐसा लगता है जैसे उसे अपने चोर होने पर गर्व है। मतलब वो क्या करता है, वो दुकान से किसी चीज को उठा लेता है, बाहर आके उसी दुकानदार को बुला लेता है कि देखो भाई तुम्हारी दुकान से मैंने ये चुरा लिया है। मानो ऐसे कहना चाहता हो जैसे पकड़ सको तो पकड़ लो। 3-4 बार उसने ऐसा किया है। आप चाहो तो उन दुकानदारों को आपके सामने मैं खड़ा कर सकता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। अरे बा, अभी तो मानिए कि आपकी परख गलत हो सकती है। गलत तुम भी तो हो सकते हो ना प्रवीण। अरे सवाल ही नहीं उठता, मेरे पास परांच पे है, ये पुलिस रिकॉर्ड्स है, और अब तो शायद बा भी होगी। बा, आपने जो गुलेल के कारनामे सुने वो बताइए तो प्रवीणा को। प्रवीणा, ये परांच पे कह रहे हैं गुलेल चोर है। आपको परांच पे ने बताया ना, मुझे तो खुद गुलेल ने बताया कि वो चोर है। आप लोग आइए मेरे साथ। गुलेल यहाँ। गुलेल, तू कबूल करता है कि तू चोरी करता था? लेकिन इसने चोरी क्यों की ये तो सुनिए। ओ, अब ये मत बोलना कि बच्चों की कहानी का पात्र है रॉबिन हुड, अमीरों का दुश्मन गरीबों का दोस्त। जैसे वो अमीरों से पैसे चुरा के गरीबों में बांटता था, वैसे ये दुकान से शैंपू चुरा के अपने दोस्तों में थोड़ा थोड़ा बांटता था। हा? टेढ़ी नोक वाले तुड़तुड़िये भंवरे की तरह कूदना बंद करो और पहले पूरी बात सुनो। गुलेल, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन इनकी तसल्ली के लिए मैं आपसे पूछती हूँ। परांजपे साहब, आप अपने रिकॉर्ड चेक कीजिए और बताइए कि इसने जितनी भी चोरियां की है वो जून जुलाई में की है कि नहीं। बैठ। हाँ तो प्रवीणा, ये सब क्या है? आशीर्वाद दो बाबा, आज गाने का बहुत बड़ा ऑडिशन है। इतने सालों से कोशिश ही तो कर रही है वंदु, कामयाब कब होगी? वंदु, जब हर कोई कमा कर जार पैसे देता है ना, तब हमारे जैसा मिडिल क्लास परिवार चलता है। अगर आपकी आवाज में वो बात होती ना, तो आप कब की सिंगर बन गई होती। तू 35 की हो गई है, या तो शादी कर ले या फिर कोई ढंग का जॉब पकड़ ले, वही हम सबके लिए बेहतर होगा। पापा, सुना ना आपने, परिवार के लिए बहुत कुछ करना है मुझे, बस आज का ये सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। झूम उठा मोरा दिल बे। बकवास, इस आवाज के साथ प्लेबैक सिंगर कभी नहीं बन सकती। बातें कुछ अनकही सी, कल से रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। बोले तू ही बता, जून जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है ना, तो बारिश में नहाने के लिए शैम्पू और साबुन उठाता था तू? नहीं, बारिश से बचने के लिए। क्या? मेरा घर नहीं है ना। बारिश से बचने के लिए ये चोरी करके दुकानदार को दिखाता था कि देखो मैंने चोरी की, ताकि दुकानदार पुलिस के हवाले कर दे इसे और पुलिस वाले रिमांड होम भेज दे। ताकि बारिश से बचने के लिए छत भी मिल जाए और थोड़ा खाना भी। परांजपे साहब, आप अपना रिकॉर्ड फिर से चेक कीजिए और देखिए कि पिछले साल इसने एक ही हफ्ते में 3 बार चोरी की है कि नहीं। हाँ। पहली 2 बार तो दुकानदार ने इसे थप्पड़ मार के भगा दिया था, फिर आखिर में 3री बार पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने इसे रिमांड होम भेज दिया, जहाँ उसका इंचार्ज वो इंस्पेक्टर अग्रवाल था। बेचारे को वहां से भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अग्रवाल बच्चों को बहुत मारता था,
उसकी मार खाने से अच्छा था कि मैं 4 महीने बारिश में भीग के कटूं। कभी कभी सच भी कितना अजीब होता है ना गुलेल। अच्छा हुआ तुमने मुझे अग्रवाल के बारे में बताया, अब मैं उसके खिलाफ कंप्लेन भी करूंगा और तुझे किसी अच्छे रिमांड होम में रखूंगा। ठीक है गुलेल, अब यहीं रहेगा। सुबोध, तू अखबार में इश्तिहार दे, पर अंश पे तुम भी कोशिश करो इसके घर वालों के बारे में पता करने की, और जब तक इसके घर वाले आके इसे ले नहीं जाते गुलेल हमारे साथ ही रहेगा। हम इसकी देखभाल कर सकते हैं ना आंटी? अगर आप इसकी देखभाल कर रही हैं तो इससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। वैसे कानूनन थोड़ी प्रॉब्लम है ये, लेकिन मैं संभाल लूंगा। आपकी भी चुप और मेरी भी चुप।